जब लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, कोरोना के चलते लोग मजबूर हैं, बेबसी के आलम में जो जितने पैसे मांग रहा है बस उसे पैसे दे रहे हैं, उन्हें अपनों की जिंदगी चाहिए, चाहे जमीन जायदाद सभी बिक जाए। ऐसे में जो मजबूर लोगों से, बेबस लोगों से उनकी सांसों का सौदा कर रहे हैं, हम उन्हें आतंकवादी से कम नहीं मानते, वो आतंकवादी से भी खतरनाक है। भारत सरकार की कोरोना गाइडलाइन कुछ भी कहे, कानून कुछ भी कहे, लेकिन ऐसे लोगों को सजा मुकम्मल मिलनी चाहिए। ऐसे एक खबर मध्य प्रदेश के सागर से बीते दिन आई, जब 70,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए उखड़ती सांसों का सौदा करते हुए एक एमआर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस शख्स का नाम हर्षित केसरवानी बताया जा रहा है। असल में कहानी जरा यूं है, कैंट पुलिस को यह भनक लगी कि पैसे से एक एमआर हर्षित केसरवानी मजबूर बेबस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कोरोना के इलाज में आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35-35 और 40-40 हजार रुपए में बेच रहा है। पुलिस ने एक टीम बनाई जिसमें कैंट पुलिस के टीआई समरजीत ने एक आरक्षक मनीष तिवारी को सिविल ड्रेस में इस एमआर के पास भेजा, जो सदर मोहाल का रहने वाला है, इस इंजेक्शन को बेच रहा है। मनीष तिवारी ने 70,000 में दो इंजेक्शन लेने की बात पक्की कर ली। सागर के प्लेटफार्म नंबर 1 पर यह डिलीवरी होनी थी। जैसे ही पुलिस को ये इंजेक्शन देने लगा, वैसे ही पुलिस ने घात लगा कर इसको दबोच लिया। शाम को लगभग 7 बजे मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक हर्षित केसरवानी करके है, वो बेचने का काम करता है। इस संबंध में फिर सूचना जब मिली तो मुखबिर लगाए गए, उनसे संपर्क साधा गया, किसी तरह वो बातचीत करने को तैयार हुआ और काफ़ी प्रयास के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं इंजेक्शन आपको उपलब्ध करा दूंगा। और दो इंजेक्शन की बात हुई थी, उसके 70,000 रुपये कीमत बताया। इसके बाद फिर कई जगह बताकर यहाँ मिलने के, वहाँ फिर रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पे मिला। पुलिस दूर से लगी हुई थी, मुखबिर को भेजा गया। जब रेलवे स्टेशन पे उसने बताया, दिखा दिया रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसने सूचना मुखबिर ने मिस कॉल के माध्यम से दे दी, उसको घेर करके पकड़ लिया। उसके पास से 2 इंजेक्शन मिले थे, तो उससे पूछताछ की गई है, तो उसने एक कृष्णा मिश्रा करके, कृष्णा तिवारी करके नाम बताया है, जो उससे मैंने लिए थे। उसके पिता की तबीयत खराब थी, तो 4 इंजेक्शन कहीं से लाया था, उसमें 2 उसके पिता को लग गए थे, वो बाकी थे वो मैंने ले लिया था। बाकी इस सूचना की अब तस्दीक की जा रही है। समाज में कुछ लालची जो बेबस लोगों को लूट रहे हैं। बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राई। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राई, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। ऐसे लोगों को आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत नहीं है, इससे भी बड़ा कोई शब्द है तो इन्हें कह सकते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से कई लोगों की जान चली गई। ऐसे ही लालची लोग उखड़ती सांसों को बचाने का सौदा कर रहे हैं। इनके बारे में जो लिखा जाए वो कम है। आज इस शख्स ने मध्य प्रदेश के सागर की पवित्र भूमि को गंदा कर दिया। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर।